पिताजी को बड़ा क्रोध आया और सीधे, हाँ भैया क्या सिखाया आपने हमारे लल्ला को, यानी स्थिति आ गई है, टच बदल गया, क्योंकि टच में आ गए थे ना भक्ति के, थोड़ा सा टच जहां पर स्पर्श मिलता है तो थोड़ी वैसी स्थितियां आ जाती है। तो कृष्ण का रस निरंतर जिसके अंदर चलते हैं वो पहला बनिए तो सही। आपके घर में कृष्ण भी है, राम भी है, हर कोई है, उसको बनाना मैया आपने ही है। जैसी मैया स्वरूप देगी वैसे ही लाल हो। सबसे निवेदन है जब घर में कोई नई संतति आती है तो घर में सत्संग चलाओ। अरे संस्कार दो, सभी कार्य में बता चुका हूं, कार्य सब बेकार है, संस्कार से बढ़िया कोई कार्य नहीं है। संततियों को अच्छे गुणों से, अच्छी चीजों से, अच्छी पुस्तकों से, ज्ञानवर्धक कहानियां सुनाया करो, छोटी छोटी अच्छी अच्छी कहानियां भी हैं ऐसा नहीं जी, पंचतंत्र की है, तो उन कहानियों से मोटिवेशनल मिलता है जीवन में। शब्द में कह रहा हूं ना, शब्द बड़ी प्रेरणा देते, ताकत देते हैं, तो मोटिवेट करो उनको अच्छी चीजों के साथ, छोड़ो उनको, छोड़ो ये सब चीजें बेकार हैं। आटा भी गुटकल का व्रत मन में बता रहा हूं, पहले से बता रहा हूं, सुबह इतना खा लेंगे ये खा लेंगे तो इससे बढ़िया मत करना, कोई फायदा नहीं है, मैं बता रहा हूं। सबकी आयु बहुत लंबी है, दीर्घ आयु है आप सभी लोग, बस मन से काम ना करो, अच्छा सोचो। भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि व्रत ही रखना है। तो बड़ी वहां जब जाते हैं स्कूल में विद्यालय में तो कहते हैं क्या सिखाया आपने, तो प्रहलाद जो है बार बार जितनी बार भी मुलाकात होती है तो प्रभु का ही नाम लेता है। तो ये रोग ऐसे है, हिरणाक्ष कहता है कि अगर ये रोग यहां फैल गया तो फिर बड़ी स्थिति, फिर रोग तो बड़ा विकट रूप धारण कर लेगा, भक्ति का रोग। तो क्या करता है, उस कहता है कि इसको खत्म कर दो। देखो एक भक्त को कितने कष्ट होते हैं, बहुत कष्ट है जीवन में, लेकिन रस रहता है, विश्वास रहता है। सबसे बड़ी ताकतें जो हैं अकल्पनीय, नींद आएगी अकल्पनीय, बेहोश नहीं हो गए, जो ये बड़े गलत अनैतिक कृत्य करते हैं ना वो सोते नहीं है, बेहोश होते हैं। एक नींद, दो नींद, चार नींद, पांच छह चाहिए उन्हें, और फिर उनको नींद नहीं आती, वो बेहोश होते हैं, क्योंकि अनैतिक के लिए लगे रहना पड़ता है, चलाना पड़ता है। सूखी दो ही रोटी खाओ, अच्छी खाओ, तो अकल्पनीय है। उसको कई प्रकार के दंड दिए गए, पहाड़ों से गिराया गया, हाथी से कुछ ला गया, सांपों से विष के बीच, और तो और देखो बहन है होलिका, होलिका दहन करते हैं ना हम लोग, उसको प्रदान है, लेकिन प्रदान के बीच में एक शब्द भी है, जो सदवृत्ति वाला व्यक्ति होगा ना अगर वो बैठेगा तेरे साथ तो समझ लीजिए, तो जाको राखे साइया, देख लो बार बार बचा ले रहे भगवान, वो तो बालक के नन्ना सा बालक को क्या जानता है। तो बड़ा ही अकल्पनीय है, उसको बेचारे को दंड दिए जाते हैं, और जब होलिका गोद में बैठाती है, आग लगाती है, तो होलिका खुद ही स्वाह हो जाती है। एक दिन ऐसे ही स्कूल में पुण्य होते हैं, तो वहां पर कीर्तन चल रहा होता है, अपने जो खेल हो रहे थे, बच्चे होते हैं आपस में, प्रहलाद जी भक्ति बच्चे ही हैं, तो एक दिन सारे जो टीचर्स होते हैं बाहर गए होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, तो उस दिन जो बच्चे होते हैं कि कोई खेल खेलते हैं, प्रहलाद जी से भी कहते हैं, तो प्रहलाद कहते हैं कि चलो आज मेरा खेल खेलो, मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो सीखा है, मैं आप आज मेरे साथ खेलो। तो सबसे किसी से मंजीरा, किसी से थाली, किसी से जो भी जो बात दिन, तो संकीर्तन क्या करते हैं, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण।
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जैसे भजन की आवाज पिता के कान में पहुंचती है, पिता नजदीक से जा रहे होते, तो जैसे ही पिता पहुंचते हैं और देखते हैं और जो क्लास रखती है समझते क्लास डर रहता है, पर जाके हृदय सांच है, जाके हृदय आप को डरते नहीं है। फिर अभी देखेंगे जो गति होगी ना उसके बाद, तो उसको देख के सभी डरते हैं। तो जैसे ही भजन चल रहे हैं शांत हो जाते हैं पिता के आगे। तो पिताजी पूछते हैं तू रोज नाम लेता है तो तेरा भगवान कहां पर है, जरा दिखा तो सही, मैं भी मिलना चाहता हूं। सुन लीजिए, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम के प्रकट होई भगवान कण कण में। और भगवान जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को। तो कण कण में भगवान विद्यमान है। तो वैसे ही देखो, जैसे ही उसने बोला कि कण कण में, तो वहां पर एक स्तंभ है, उसने कहा कि जब पिता से बोल रहे हैं कि मेरे प्रभु तो हर जगह कण कण में विद्यमान है, तो बोलते हैं कि इस दीवार में भी है। वो कहते हैं मेरे प्रभु हर जगह। तो हिरण्यकश्यप जोर से प्रहार करते हैं दीवार पे, समझ लीजिए जैसे ही प्रहार करता है तो परमात्मा नरसिंह भगवान के रूप में, बोलो नरसिंह भगवान की। क्योंकि प्रदान मिला है, और ना अंदर ना बाहर है, मध्य में ना दिन है ना रात है, सायंकाल का प्रहर है, और महीना भी पुरुषोत्तम मास है, 13वां महीना भगवान का बड़ा सुंदर पुरुषोत्तम मास, भक्ति कीजिए, बहुत अच्छा मास है। बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं बद्रीधाम में, सुनिए आस्था के माध्यम से। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े संत वहां पर से सीधे प्रसाद आते हैं। अवधेशानंद जी महाराज हैं, श्री कृष्ण ठाकुर जी हैं, बड़े अच्छे ओझा जी हैं, रमेश भाई ओझा जी, बहुत अच्छे संत, बड़े बड़े संत हैं, और हरि बापू जी हैं। सुनिए कभी संतों की वाणी, बड़ा रस है साधना के लिए। जब भी मास है, मास ही ऐसा बने पुरुषोत्तम मास, हर दिन अच्छा, हर दिन को पुरुषोत्तम अच्छा दिन बनाओ, पुरुषोत्तम उत्तम दिन दिवस बनाइए, उत्तम दिवस। तो सब बता देते हैं, सारी चीजें प्रदान की सारी बातें बता रहे हैं, और पेट जैसे सायंकालीन सत्र है, पेट में लिया है, और किससे मारा है, ना अस्त्र से ना शस्त्र से मारा है, किससे मारा है, नखों से, और पूरा जोर से चीर दिया है, और चीर करके सारी की सारी आते हैं निकाल के कहां डाल दिए। भगवान बड़े प्रकंपित हैं, सिंह है, सिंह का अर्थ है राजा, राजा से हर कोई डरता है, सिंह से। और शांत नहीं हो रहे हैं, सभी लोग वंदना कर रहे हैं, नारद जी, ब्रह्मा जी, सभी लोग। और तो और अंत में ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी के पास जाकर के भी बोला, लक्ष्मी जी घंटी पूजा थाली लेकर आ रहे हैं, जब वो देखती है तो थाली हाथ से गिर जाती है, वो तो कहती है मेरा श्री हरि, मेरे श्री हरि तो शांतारम भुजग शयनो, कैसे हैं बिल्कुल शांत है, वो चले जाते हैं। अत्यंत गत्वा जो गुरु हैं, जो नारद जी हैं, वो कहते हैं कि प्रहलाद अब आप ही स्तुति करो। तो
प्रहलाद जी परमात्मा का अनुचिंतन करते हैं, हरि संकीर्तन करते हैं, परमात्मा के समीप जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे श्रद्धे गुरु जी का भी यही महामंत्र है, सभी मिलकर बोले शिज मंत्र है ये निश्चित है, मिलकर बोले मिलता जरूर है। नारद जी ने रास्ता बताया है तो मिलेगा, गर्व में ही रास्ता बता दिया। देखो नारद जिसको मिले ना उसका बेड़ा पार हुआ है, और जो उनका दुश्मन है ना जो उनको जिस तरह से जपता है तो उसका भी बेड़ा पार होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उठा है जुल्म का दरिया तो मेरा क्या होगा, मेरा भगवान है मेरे साथ वो बचा लेगा। कितना जुल्म हुआ भक्त के साथ, लेकिन परमात्मा की रट, परमात्मा का साथ, हमेशा परमात्मा धर्म की रक्षा करते हैं। जीते जागते एग्जाम्पल महाभारत में देखे, बुराई कितनी भी उस 101 बुराइयां हैं, 100 पांडव हैं क्योंकि 100 बुराइयां हैं, बुराइयों में अच्छाई की ही जीत होती है। सोच लीजिए 100 बुराई हैं और 5 अच्छाइयां हैं, एक अच्छाई तो अंदर ले आओ जीत हो जाएगी। तो परमात्मा का अनुचिंतन निरंतर जब भी सुअवसर मिल रहा है करें। तो जैसे ही भगवान का नाम लेते हैं परमात्मा प्रसन्न होते हैं, शांत होते हैं। और कितना अकल्पनीय, परमात्मा पहले प्रश्न यही पूछते हैं प्रहलाद से कि आपको डर, मतलब तुझको डर तो नहीं लगा? तो जो शेर का बच्चा होता है ना, अगर आप शेर हैं, अगर आपका बच्चा भी तो क्या होगा, शेर का बच्चा भी शेर होगा। कोई अपने पिता से डर सकते हैं? शेर का बच्चा कभी भी शेर से, हम लोग डर जाएंगे शेर को देखेंगे तो मेरे को लगता है, लेकिन जो शेर का जो बच्चा होगा उस अपने पिता से कभी नहीं डरेगा। तदुपरांत भगवान गोद में बैठाते हैं, कितना अकल्पनीय। देखो भक्त जिसको भगवान ने गोद में बैठा लिया, ऐसा किसी भी कुंभ में आ सकता है। देखो वातावरण तो भीजिए, तो भगवान उसको बहुत ममत्व देते हैं, प्रेम देते हैं, गोद में प्यार भी करते हैं बच्चे की तरह। आप करते हो ना अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, तो समझ लीजिए कितना अकल। देखो कैसा अवसर होगा भगवान जगदीश्वर जो सर्वेश्वर है, जो किसी से कहने से शांत नहीं हुए, अपने भक्त के कहने पर उसको गोद पे ले लिया ऐसे था। और भगवान को भी थोड़ा सा दुख होता है कि मैं बहुत देर में तेरे पास आया, उनको भी थोड़ा सा दुख है क्योंकि कई कष्ट हुए हैं मेरे भक्त को, कई बार कई विपरीत स्थितियों से प्रहलाद को गुजरना पड़ा है। लेकिन जब श्रीहरि का, जब सर्वेश्वर का सब कुछ, सर्वेश्वर ने बोला कि सबसे पहले तो एक मनवंतर के लिए उनको घोषित कर दिया गया और अपनी राज गद्दी, उनको राज सिंहासन में बैठा दिया। लेकिन उसी पल जैसे सिंहासन में बैठे तो उनके मन में फिर थोड़ा सा एक प्रश्न भी आ गया, किसके प्रति? पिता के प्रति। तो उन्होंने कहा कि मेरे पिता को सदगति मिले, आपका द्वार मिले। सोच लीजिए जिसके संहार करता परमात्मा है ना, तो द्वार उसको वही मिलता है।
उसने भी परमात्मा का अनुचिंतन किया, दुश्मन बनाया था, क्योंकि मेरे भाई को परार रूप में मारा था। अनुचिंतन चाहे किसी भी प्रकार, चाहे शिशुपाल हो, चाहे कंस हो, चाहे रावण हो, तो इन लोगों ने भी किसी न किसी रूप से, जब जिस रूप में देखोगे उस रूप में आपको प्राप्त हो। लेकिन परमात्मा सर्वहितैषी, मैं बार बार कहता हूँ। तो तदुपरांत जब वो इस बात को रखते हैं कि मेरे पिताजी को, तो परमात्मा कहते हैं भक्त कैलाश से कि मैं तेरी 21 पीढ़ियों तक, देखो जब परमात्मा कोई तारता है ना, एक भी घर आपके घर में एक भी, समझ लीजिए, पीढ़ियों को तारने के लिए एक ही चाहिए, समझ, सात 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 पीढ़ियां तड़ती है, एक ननिहाल की, ससुराल की और स्वयं की, 21 पीढ़ियां, ऐसा वरदान दिया। और भक्त पहलार की इस भक्ति को हम यहीं पर विराम देते हैं। तो थोड़ा सा परमपिता परमेश्वर का अनुचिंतन करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि जीवन में जब भी अवसर मिलता है, प्रयास करें उस औषधि को निरंतर अपने अंदर धारण करें। जिस तरह हम थोड़ा सा भी कोई बुखार वगैरह होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जाम्पल बताया था कि वो 78 वर्ष का व्यक्ति डॉक्टर के पास गया है, 50,000 का बिल भी बन गया है, पेमेंट भी कर दी है, लेकिन उस टाइम पे उसके मन में एक विचार चलता है, विचार भी ऐसा चलता है, वो क्या विचार चलता है कि मैंने तो 78 वर्ष तक जितनी भी प्राणवायु को धारण किया है तो उसका तो मैंने एक भी पल का सदुपयोग नहीं किया। तो कहने का अर्थ है जब जो प्राणवायु मिली ना, तो उसमें निरंतर राम नाम को, कृष्ण नाम को जपना आरंभ कर दो, सदुपयोग करो इस परमात्मा के द्वारा प्रदत्त। और जीवन में थोड़ा सा मौन को धारण करो, मौन को अपने अंदर मौन रूपी अवस्था को, जब भी मौका मिलता है मैं बार बार कहूँ, एकांत को साधने की कोशिश करो, मौन में बड़ी ताकत है। स्वयं देखो, आकाश कम बोलता है लेकिन जब भी बोलते हैं आपको पता है, पृथ्वी माँ देखो, जिस माँ के ऊपर हम बैठे हैं ना, ये भी कम बोलती है।